ये अजीब बात है जी, यहाँ पर एक दरख्त ये है इसको भी काटा हुआ है, जगह जगह से एक ये है दरख्त इसको भी काटा हुआ है, और साथ बेरी है। अभी तक जो चीज सामने आई है, बाकी ऑनर से कुछ सवाल है वो कर लें। शुरू करें चेक करें, अरे समझ गया। हां बाकी बिजली कैसे हो रहा है, कितना गर्म है? ओके ज्यादा देर नहीं खड़ा गया जी, अंदर रहा नहीं गया। लेकिन यार फैमिली ये कहे ना कि जी गर्मी है, पानी का मसला, बिजली का, गैस का भी प्रॉब्लम है। कितनी ठंडी हवा की चौकी आ रही है, एक कदम का ही फर्क है यार। अंदर बहुत बहुत इतना फर्क नहीं होता, समझ, जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहूँ आपको, आप तंदूर में नहीं खड़े होते जो आप अक्सर रोटी लेने जाते हैं, तो एक हीट आती होती है वहाँ से, वो महसूस हुई अंदर। लेकिन फैमिली ये कहे ना कि भाई गर्म है आपका घर, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये वो नहीं कह रहे ना, वो कह रहे हैं भारी है जगह, असरात है। अब मुझे बताएं कि वो शिकायत करते थे कि जी ये कमरे जो है ना, इनके दरवाजे लॉक होते हैं, जैसे रात को सो रहे हैं उनका दरवाज़ा बचता, मेन गेट नहीं ये वाला। अब इन दोनों गेट्स के सामने क्या है, ये बेजी मुझे परेशान कर रही है यार। असल में सुना है जी हमने कि कुछ दरख्त हैं जिनमें असरात होते हैं, और स्पेशली सबसे नंबर वन पे जो कहते हैं बेरी का कहते हैं, ऐसा ही है ना, बरगद पीपल बाद में आते हैं, बेरी कहते हैं यार, कहते हैं बेरी कभी खाली नहीं होती, कहते हैं बेरी कभी खाली नहीं होती। और दरख्त में तो पॉसिबिलिटीज है कि शायद खाली हो, या जितना तो बेरी में 100% होते ही होते हैं। वजह यार फलदार भी दरख्त है बेरी का, बेरी एक है दरख्त जिसके पत्तों में खुशबू है, चीजें हैं इस मखलूकात के लिए, बेर भी लगते हैं ना। हाँ बेर लगते हैं, फलदार बेर है, और पत्ते भी इसके बड़े खुशबूदार होते हैं। ये मैंने खाए बेर यार, दरख्तों से तोड़ के भी खाए हैं यार। एक बार बताओ, ये जो दरख्त है सही है, ये ऑन एंड ऑफ क्यों है, ये काटा हुआ क्यों है यार? पता है हुआ क्या है, उस जगह पे दीवार के पीछे जो दरख्त लगा हुआ है, उसकी जो शाखें इस तरफ थी वो कटी हुई है, इस तरफ की शाखें जो उस तरफ जा रही थी वो कटी हुई है, समझ नहीं आ रही। अगर पहले से वहाँ दरख्त था तो शाखें उधर जा भी रही थी तो प्रॉब्लम क्या है, और पहले से अगर यहाँ दरख्त था तो इसकी शाखें अगर यहाँ भी आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब काटने की वजह क्या है? ऑलरेडी दरख्त यहाँ भी है, वहाँ भी है, फिर बेरी भी है सामने। फर्क पड़ा है ना अंदर के टेम्परेचर से, नीचे वो दिमाग में बस गई अजीब सी है ना, अजीब सी ना, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहा मैं क्या कैसे हमने सुन ली। चले दिल कीन करें, कोई 5-10 डिग्री का फर्क नहीं है टेम्परेचर में, हीट आ रही है, लग रहा है मैं तंदूर के पास आ गया हूँ लिटरली। थर्मामीटर नहीं रखा हुआ हमने ना, आपको चेक करवाता हूँ। थर्मल भी चेक कर सकते हैं, थर्मल भी बता सकते हैं टेम्परेचर आपको, सब रात में देखते हैं ना, रात में चेक, रात में चेक। सामान नज़र आ रहा है जी, वही फैमिली जो लास्ट में रही है यहाँ पर, जिन्होंने शायद शाह साहब को भी कॉल की है, तो अपना सामान भी अभी तक उन्होंने यहाँ से पिक नहीं किया, और उनके दिल में अल्लाह ने डाला है कि हम तक बात पहुँचाई जाए, तो ये आपके सामने आए। यहाँ जी बड़ी बहुत स्मेल है, बैतुल खला की जो स्मेल होती है ना वो आ रही है इस कमरे से, पब्लिक टॉयलेट वाली है तो यार, और ये अलग अलग है, ये किचन होगा मेरे ख्याल से।
कुछ हुआ है यहाँ पर, कुछ हुआ है यहाँ पर लास्ट टाइम, मुझे लगता है यहाँ कुछ हुआ है, बर्तन टूटे हैं सर, सब बिखरा हुआ। देखें जी ये कुछ पकता हुआ छोड़ के भागे हैं यहाँ से अंदर, बर्तन भी छोड़ के मेरे सर की आई अंदर, वो तवा की शायद से चीज होंगे, दूध बॉयल हो रहा था और उसको ऐसे ही छोड़ के ले आए, स्मेल है ना आप यकीन नहीं करेंगे, गंदे वॉशरूम में से स्मेल नहीं आती जो किचन में से आ रही है। फिर मुझे था शायद कि जानवर वगैरह आ जाते होंगे, लेकिन दरवाज़ा बंद था, जालियां लगी हुई हैं, कोई इतना सुराख नहीं है कि बिल्ली वगैरह जा सके। शदीद स्मेल, बर्तन टूटे हुए हैं, ऐसे टूटे हुए हालांकि समेट के जाता है इंसान। आपने एक चीज़ नोट नहीं की, जो स्मेल हमें वॉशरूम से आनी चाहिए वॉशरूम से वो स्मेल नहीं है, कमरों में से किचन में से वो स्मेल है। बर्तन यार चूल्हे के ऊपर छोड़ गए जलता हुआ, इतनी इमरजेंसी में कोई खा रहा है। जाले लग गए हैं इसका मतलब हफ्ता दस दिन तो कहीं नहीं हुए, ज्यादा हो गया ये घर, ज्यादा बंद है, हफ्ता दस दिन से बंद नहीं है जो हालात इसके नजर आ रहे हैं, और जिस तरह छोड़ के भागे हैं ना जी। और ये भागने वाली ही कहानी है, आराम से गए भी नहीं है लोग यहाँ से, मेरे मुझे जो लगता है सभी छोड़ रहे सर, ये जगह है मैं अब बच्चे वगैरह कहाँ हैं आप? बच्चे हमारे दूसरे ना सारे दूसरे ना गाँव में। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया आपने, क्या उम्र होगी उनकी? उम्र का देखो अंदाज़ा बंदा नहीं लगा सकता है, दूसरे ना परिश्तों का, दूसरे ना ऐसे आदमी का, दूसरे ना उम्र का अंदाज़ा। बड़ी उम्र के थे मर्द? बड़ी बच्चे यंग तो नहीं? नहीं बिल्कुल यंग जवान था, जिसे ने जैसा दिखता था जिसे ने ऐसे जवान था, लेकिन हटा जिसे ना कद्दावर था, 7-7.5 फुट आता है। हाँ कद्दावर था। देखो इंसान जिसे ना इतना बड़ा जिसे ना देखो इतना बड़ा नहीं होता है, इंसान का कद ज्यादा होता है जिसे ना तकरीबन जिसे ना 7 फुट से ऊपर नहीं होता है। सही सही, कोई एक आध आलम चन्ना टाइप होते हैं वैसे तो नहीं होते ज्यादातर जी, लेकिन उसका जान भी माशाल्लाह ऐसा भरा हुआ जान था उसका। तो खुशबू कोई मिलती जुलती कुछ? खुशबू मिलती जुलती किस चीज से? खुशबू जैसे ना ऐसा महक था जैसे ना इंसान उसमें जैसे ना इंसान जैसे ना मरता नहीं है। हाँ काफूर 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 जैसा जैसे ना खुशबू था उस। अच्छा बाबा, तो उन्होंने चारों कोनों पे आके कयाम किया थोड़ा सा? पहले यहाँ खड़े रहे ना, मैं मेरी आँख खुली में मैं सोया हुआ था, ऐसा सीधा सोया हुआ था, जब मेरी आँख खुली में देखता हूँ मेरे सर के ऊपर खड़े हुए, जब सर के ऊपर खड़े हुए मैं तो उठ गया, मेरा मुंह बंद था, मैं चिल्लाने लग रहा था लेकिन मेरा मुंह बंद था, मैं मुंह बंद था, मैं उठ के बैठ गया मुंह किबले की तरफ करके जैसे ना बैठ गया, फिर इधर देखा मैंने यहाँ से हट के सीधा उस कोने में गया, वो सामने वाला सामने कोने में गया, फिर वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे 2 सेकंड खड़ा रहा, फिर वहाँ से फिर वहाँ पे गया, फिर उस कोने में जैसे ना 2 सेकंड खड़ा रहा उधर खड़ा रहा उस कोने पे, उस कोने से फिर उठ के जैसे ना उस कोने पे गया, वहाँ पे खड़ा रहा चारों कोने, जब यहाँ पे आया ना यहाँ पे आया फिर मेरे को नजर नहीं आया, गायब चारों कोने पे। हाँ चारों कोने हुए, आते हुए मेरे को नजर आया, जब जाते हुए जब मैंने जैसे ना मुंह मोड़ लिया ना इसको मेरे को नजर बिल्कुल नहीं आया। ये दूसरी बार ये वाक्या बता रहे हैं,
और बिल्कुल सेम बयान है इनका, कुछ फर्क नहीं है। क्रॉस क्वेश्चनिंग कहते हैं इसको, आप बीती बता रहे हैं ना, कोई नींद वहम धोखा ख्वाब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये उठे हैं, इन्होंने वजू बनाया है, माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ी है, मुबारक को अल्लाह तौफीक बरकरार रखे, फिर फजर पढ़ने मस्जिद गए हैं, आए हैं, नाश्ता किया, फिर सो गए। इन्होंने ये बात अपनी फैमिली किसी को आज तक नहीं बताई, ये हमसे पहली बार शेयर कर रहे हैं, इनकी मोहब्बत है। और वहाँ से शुरू हुए, वो दो सेकंड वहाँ खड़े हुए बता रहे हैं कि बड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे नॉर्मली इंसान चलता है ना, बड़े कदम होते हैं यार, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे कदम, हाँ स्लो स्लो वहाँ से चले, दो सेकंड के लिए यहाँ आके रुके हैं, ये यहाँ लेटे हुए थे जो उठ के बैठे, ये देख ही रहे हैं, इनसे बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही इनकी। फिर बता रहे हैं यहाँ बच्चे फैमिली सो रही है, वो इधर आ गए हैं, दो तीन सेकंड यहाँ खड़े हुए हैं, फिर वो इधर चल के आ गए हैं, दो तीन सेकंड यहाँ खड़े रहे हैं, फिर वो यहाँ आए हैं जहाँ शुरू हुए थे, जहाँ इनको नजर आए थे, और इधर दो तीन सेकंड खड़े होके फिर वो गायब हो गए। नहीं, दो तीन सेकंड ना यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुंच गए, दूसरे ना अच्छा पहुंचते ही गायब, पहुंचते गए यहाँ जी, पहुंचते ही गायब हो गए। बाकी जगह पे दो तीन सेकंड का उन्होंने क्याम किया, चेहरा बता रहे हैं ढका हुआ था, आंखें देखी उन्होंने बहुत ही पुरकशिश आंखें, खूबसूरत आंखें। नारियल खजी है, नारियल है, ये नीम सारा गिरा हुआ है, वॉशरूम बने हुए हैं यार, कपड़े वपड़े क्या फेंके हैं यहाँ पे, देखिए ये कपड़ा फेंका हुआ, ये कपड़ा है, वो कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े फेंके हैं, समझ भाई। इन्होंने अपनी आंखों से बाकायदा ट्रैवल देखा है, चल इंसानों की तरह रहे थे लेकिन बहुत आहिस्ता चल रहे थे, और एक तरह से चार कोनों में जाके वो इनको नूरानी लगे, पॉजिटिव लगे, चलना ऐसे इंसानों की तरह चलना था ना, हाँ इंसानों की तरह चलता था, लेकिन ऐसे आराम आराम से चल रहा था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आस्ते आस्ते चल रहा था, आराम आराम से बिल्कुल। मैं जितना बोलना चाह रहा था लेकिन मेरे से बिल्कुल अल्फाज नहीं निकलते थे। और आपको यकीन है कि आप जाग रहे थे, कोई ख्वाब नहीं था, वो कोई वहम धोखा नहीं, नहीं था? ख्वाब नहीं था बिल्कुल, मैं जाग रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैं बैठ गए, फिर जैसे ना उठा, अपना जैसे ना वजू करके फिर गया, अपना जैसे ना ताज्जत पढ़ा, फिर नमाज़ का टाइम हो गया, फिर मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ के आ गया, फिर जैसे ना घर पर नाश्ता वाश्ता करके फिर सो गया। अच्छा, और आपने बताया नहीं किसी को? नहीं बताया किसी को भी नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अच्छा बाबा, मैंने एक बात महसूस की, ये माशाल्लाह, ये बाबा ये क्यों काटे, ये आपके सामने कटे दरख्त? ये मैंने खुद काटे। क्यों ये काटे? ये यहाँ पे दूसरे ने पड़े हुए थे, यहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते थे। तो वो तो वहाँ भी है बाबा, वहाँ पे भी थे ना, वहाँ पे ये भी सारे, इधर पूरा बिल्कुल इधर हवा मवा कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए काटा। ये यहाँ पे ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था बिल्कुल, दूसरे यहाँ पे पूरा साया था। अच्छा अच्छा, साया था, फिर बारिश होता था, पानी ज़्यादातर यहाँ पे गिरता था। अच्छा, पानी गिरता था, फिर हवा भी नहीं आता था। अच्छा, ये अच्छा, बिल्कुल ये थी, ये बिल्कुल बंद था ये। अच्छा, यहाँ पे ये दरख्त लगे हुए थे ना, ये सारा जो ना बंद था। अच्छा बाबा, हमें तो ये लगता है वो सामने बेरी का दरख्त है। ये बेरी का दरख्त है। अच्छा, बेरी है ना? बेरी है। तो आप इसी कमरे में आपने ये महसूस किया, और बाबा हमने सुना हुआ भी है कि इस तरह की मखलूक़ात जो हैं वो दरख्तों में बसेरा होता है उनका, आपको भी अंदाज़ा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इन्हीं दरख्तों में रहते हैं जो यहाँ पर आए, जो ज़ाहिर हुआ? नहीं, ये इसी दरख्तों में नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, ऐसे दरख्तों में जो से ना ऐसे लोग जो से नहीं रहते। अच्छा हाँ, ऐसे लोग वो इस दरख्तों में जो से ना ज़्यादातर जिन्नात रहते हैं। तो वो जिन नहीं थे? जिन नहीं था। फिर जिन नहीं था वो एक, फिर बाबा गायब कैसे हो गए? फरिश्ता था, फरिश्ता आते जो से ना गायब हो जाते।
खुशबू बता रहे हैं काफूर जैसी, जो हम अक्सर इंतकाल पे मैयत पर इस्तेमाल करते हैं, और वो सब तो वो जो है इन्होंने बकायदा 7-7.5 फुट कर यंग देखा और उनके सामने गायब हुआ। ये हुआ है यहाँ पर, मतलब प्रेजेंस फील की है। अब इनको फरिश्ते महसूस हो रहे हैं। काफूर जो है ये हम ज़रूरी है कि इंतकाल पर बॉडी पर यही इस्तेमाल नहीं, ऐसा नहीं है। काफूर तो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। अक्सर और बेशतर हम लोग जब कपड़े वगैरह जो है वो रखते हैं ना जी, सेव करके यार काफी टाइम बाद पहनना है, सर्दियां चली गई सर्दियों, उसमें हम काफूर की गोलियां रख देते हैं। वो काफूर की गोलियां कहलाती हैं, वो काफूर की गोलियां कहलाती हैं। वो उसमें रख देते हैं कि एक तो सीलन की खुशबू ना हो उसके अंदर, वो जो सफेद सफेद होती है वो तो काफूर की गोलियां नहीं, वो तो मुश्क की गोलियां होती हैं, जैसे ना कपड़ों में जैसे ना मुश्क नहीं कहा गया, काफूर की गोलियां होती हैं वो यार, वो अक्सर बेसन में भी रखी जाती है।